गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है कल शाम को यूएस सीपीआई डेटा था सीपीआई डेटा हायर देन द प्रीवियस रीडिंग्स उसके बाद डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा उछाल देखा गया तो आइए चार्ट में चलते हैं तो सी क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है पहले आप कल मॉर्निंग तक मॉर्निंग का जब हम एनालिसिस प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स आपका था 105.80 के आसपास मींस द मार्केट वाज क्लियरली वेटिंग फॉर द सीपीआई डेटा उसके बाद क्या नीचे की तरफ सॉफ्ट होगा कंटिन्यू करेगा या बाउंस बैक करेगा ऑन द हायर साइड वो हमें देखना था एंड आफ्टर द सीपीआई डेटा ये बाउंस बैक किया ये डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने का अनदर रीजन इज कल यूएस ने 30 ईयर बॉन्ड डील का कुछ इशू किया है जहां पे आपका फोर पॉइंट थ्री फोर के जगह पे आपका फोर पॉइंट सेवन थ्री के रेट, रेट में इशू हुआ है जिसके कारण टेन बैक किया डॉलर इंडेक्स हाई हुआ ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट में अच्छा खासा नेगेटिविटी छाया हुआ डॉलर इंडेक्स अभी है आपका हंड्रेड एंड सिक्स अभी देखने वाला बात यह है कि कल का जो कैंडल है इट्स ए कैंडल कितना अच्छा आप ऊपर की तरफ गया अभी इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है अब इतना क्या क्या इतना तो ऊपर की तरफ ही बात किया करो लेकिन हम बात करेंगे नीचे की तरफ नीचे की तरफ क्या कंडीशन पे नीचे जा सकता है कल का लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है तो डॉलर इंडेक्स में एक नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका मेन कारण क्या है आप ये देखिए ये अगर यहाँ पे रेन शिफ्ट कन्फर्म हो जाता है अगर हो जाता है कॉन्फर्म नहीं है सो आई एम वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन कि आर एस आई डेली आर एस आई टेकिंग रेजिस्टेंस इन सिक्सटी एंड कमिंग बैक ये अगर हो जाता है इट्स अ परफेक्ट रेन शिफ्ट लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का बात हो रहा है प्रोबेबिलिटी की डॉलर इंडेक्स नीचे के तरफ आएगा कल के लो के नीचे क्लोज देगा द रेन शिफ्ट टेकिंग रेजिस्टेंस एट क्या ये होगा या नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा इसके रिलेटेड जो है यूएस ट्रेजरी सिमिलरली ये इंतजार कर रहा है ये कल का जो कैंडल ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया है इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है आज या मंडे को इन सच ए रेन शिफ्ट विल बी कन्फर्म एंड डेट इज गोइंग टू मीन्स डिसाइड की नो मोर फर्दर अप मूवमेंट यूएस ट्रेजरी काफी नीचे है सो so सिमिलर नहीं है ओनली टेन ईयर इज सिमिलर थर्टी इयर्स इज आल्सो सिमिलर ये कल का जो कैंडल है उसके नीचे अगर क्लोज दे देता है यहाँ पे रेन शिफ्ट कन्फर्म होगा आई एम वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन अभी तक कुछ हुआ नहीं है वी नीड टू वेट एंड वॉच डॉलर रुपी कंसोलिडेशन गोइंग ऑन कुछ नथिंग न्यू कंसोलिडेशन में ही चलने देते हैं एक बार ब्रेकआउट होगा तो सबका मींस एक सरप्राइज एलिमेंट होगा अभी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा ऊपर की तरफ होने के लिए द इनविजिबल हैंड्स हैस टू टेक ए पॉज जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा वीकनेस देखा गया यह जो आपका 1.2330 लेवल से कल एक स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है अभी वहां पे एक सिमिलर बट जस्ट उल्टा डॉलर इंडेक्स में हम रेंज शिफ्ट फॉर अ डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेन शिफ्ट पॉजिटिव नोट यानी ये confirmation ये कब होगा कल का candle becomes crucial. इसके हाई के ऊपर अगर strong close दे देता है विल कन्फर्म दैट रेन शिफ्ट हो चुका है इन सच ए केस ये जो डाउन मूव होगा ये सील हो जाएगा यानी और फर्दर आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ नहीं जाएगा लेकिन अभी सिर्फ हवा हवा बातें हैं कंफर्मेशन जरूरी है जीबीपी आई एन आर में भी सिमिलरली ये रेन शिफ्ट के लिए कैंडिडेट है अभी तक हुआ नहीं है यूरो डॉलर आपका सेम यहाँ पे अगर ये कल के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है तो डाउनवर्ड मूव सील हो जाएगा लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है हमें इंतजार करना पड़ेगा जीबीपी यूरो आई एन आर सेम एनाइसिस कल के कैंडल के ऊपर अगर क्लोज दे देता है डॉलरियन अगेन 150 एच करने के लिए तैयार हो रहा है अरे सही एट 60 61 पे 60 के आया यहां पे दोबारा रेजिस्टेंस लेने का प्रयास करेगा ये हमें देखना पड़ेगा ये एन आईएनआर पे इसका सिमिलर स्ट्रक्चर यानी ऑल करेंसी पेयर्स इन सिमिलर नोट आइदर वेटिंग फॉर रेंज शिफ्ट टू मूव डाउन और रेंज शिफ्ट टू मूव अप डॉलर कैन ये पे कंसोलिडेशन दो दिन किया एंड ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया यहाँ पर भी आप देखो दोबारा ये 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है ये अगर कंफर्मेशन हो जाता है रेन शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट होने से क्या होता है मीन ऊपर की तरफ ये डॉलर इंडेक्स डॉलर गेंद डॉलर के यहाँ पे अगर रेंज शिफ्ट कंफर्म हो जाता है तो फर्दर डाउन मूव और जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर में अगर रेंज शिफ्ट हो जाता है ये बॉटम सिल हो जाएगा

CNH आज मॉर्निंग पे कपल ऑफ डेटा आर वेटिंग फ्रॉम द चाइना सीपीए डेटा ट्रेड डेटा एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सी एन एच के इधर की तरफ जाएगा ब्रेंड क्रूड जो फ्यूचर है एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये कॉन्सोलीट कर रहा है यहाँ पे एक बेसिकली आप देखोगे एक डाउन मूव के बाद ये यहाँ पे

एक शार्प फॉल देखा गया अभी ये एक दो धारी तलवार की तरह है सेंटर वैन में आके रुका है सेंटर वैन से अगर ऊपर जाता है अगेन इट में टेस्ट 97 सेवन आप बोलोगे क्या आशीष टू वे बातें कर रहा है डबल डबल बातें कर रहा है तो यहाँ पे डेली पे एक इन्वर्टेड पोल एंड फिगर फ्लैग एंड पोल का बात हो रहा है अगर इसके लो के नीचे डाउन अगर नहीं होता है